मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नौ लोकसभा अमरोहा क्षेत्र की विधानसभा मंडी धनौरा में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को रंगमंच देने के लिए भाजपा जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा विधायक राजीव तरारा और साथ ही कार्यकर्ताओं भी मौजूद रहे। वहीं धनौरा के भाजपा विधायक राजीव तराना ने जन समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से आपने मुझे अपना कीमती वोट देकर दोबारा से विधानसभा मंडी धनौरा से विधायक बनाया था, उसी तरह से आने वाली सन 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कामयाब बनाना। इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के विकास कार्य और योजनाओं की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि देश में न जाने कितनी सरकारें आईं, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक गरीब लोगों को कोई भी योजना का लाभ नहीं दिलाया। लेकिन भाजपा सरकार जब से प्रदेश देश में जब से बनी है, तब से हर गरीब लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही छोटी बड़ी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में देश पर शहीद हुए वीर सपूतों को नमन किया। विधानसभा का मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया, जिसके संयोजक आदरणीय डॉक्टर सोरन सिंह जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनका सम्मान भी किया है और सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित भी किया है कि जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश, हर घर जाकर कलश के साथ मिट्टी और अक्षत चावल और मिट्टी दोनों को इकट्ठा करेंगे, जो संपूर्ण भारतवर्ष से 7500 कलश में एकत्रित होकर दिल्ली पहुंचेगी कर्तव्य पथ पर, और कर्तव्य पथ पर ही अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जिनके नाम गुमनामी में कई खो गए थे, उनके नाम भी यहाँ इस वाटिका में अंकित होंगे और वृक्ष भी वहाँ पर लगाए जाएंगे। इस मिट्टी का वहाँ पर उपयोग होगा, अक्षत का वहाँ पर उपयोग होगा। एक कार्यक्रम है जो मेरी माटी मेरे देश का कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें जो शहीद हुए हैं जिनके नाम भी हमने जानते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जा रही है, तो हर घर की भावनाएं, हर घर की श्रद्धांजलि उन्हें मिले, इसके लिए हर घर से मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी, और हर शहरी घर से एक चुटकी चावल ले जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्य है। दूसरा जो आज ये बूथ स्तरीय हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान किया गया, क्योंकि किसी भी पार्टी बूथ अध्यक्ष उसकी रीढ़ होता है। अगर हमारा बूथ मजबूत है तो हमारा लोकसभा का पूरा क्षेत्र मजबूत है, विधानसभा का पूरा क्षेत्र मजबूत है। इसलिए बूथ को मजबूत करने के लिए, जो उनका काम करता है बूथ को मजबूत करने का, उसको सम्मानित करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया कि आपके बिना कोई भी पार्टी कुछ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सांस आप हैं, आपके बिना भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव नहीं जीत सकती। आप पूर्ण मनोयोग के साथ जुट जाइए, 2024 में हमें अमरोहा में जो हम पिछली बार हारे थे ऐसा नहीं होने देना, उसके लिए केवल और केवल आप ही वो ताकत हैं जो अमरोहा में कमल खिलाएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का।